थाना छत्ता में सुमित नामक युवक ने कल रात खूंटी पर रस्सी से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुमित आगरा में भरत कुमार गुप्ता के यहाँ पर कार्यकर्ता था। मृतक सुमित फूडवा जैन जिला औरैया का मूल रूप से निवासी था। मृतक और मृतक का भाई आगरा में मजदूरी वर्ग पर कार्यकर्ता था। मृतक के भाई की सूचना देने पर घटना पर पहुंची पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक गृह कलेश के चलते सुमित ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? उन्होंने ना हमको ये दिखाया कि फांसी कहाँ पर लगाई है, किस चीज में लगाई है, क्या है, कुछ भी नहीं। सिर्फ बच्चे को ये दिखा दिया कि इस बच्चे ने अपने हाथ से फांसी लगा ली। तो ये बताओ, छोटी सी खूंटी में बच्चे फांसी कैसे लगा के और गिर भी जाएगा? फांसी लगने से कोई भी व्रत फांसी लगाए उसकी जीभ निकल आती है बाहर, पर उस बच्चे की जीभ ना जीभ निकली ना कोई चेहरा बिगड़ा। उसको मार के और इन लोगों ने टांग दिया है। ना पता उसके कुछ भी नहीं, और कोई प्रूफ नहीं दे रहे, कोई साथ नहीं मेरे लोगों का। देर बच्चा इसके इनके हाथों में सौंपे थे, तो ये कंपनी मालिक कुछ तो मेरा लोग उनको साथ देता। मुझे अभी तक मिट्टी नहीं दिखलाई है ना हमें पता। कोई कंपनी मालिक से आपने बात तरफ करी? हाँ, वो बात करी, उसके घर गए, हम लोगों को धर्मशाला में बंद कर दिया, ताला डलवा दिया, और उसके बाद में का नाम अपने गेट लगा लिए। वो लोग लेट गए, हम लोग रात भर धर्मशाला में तड़पड़ाते रहे, भड़कते रहे। तो 3 बजे रात से फोन लगा रहे, तो वो कोई देखने भी नहीं आया, ना कंपनी मालिक अभी तक नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और हम यहाँ सब लोग बच्चे की वजह से तड़प रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ? काम कर रहे लगभग में 10 साल हो गई है, 10 सालों से बच्चे काम कर रहे हैं। जो मरे हैं उनका क्या नाम था? उनका नाम सुमित था। ठीक है, क्या नाम है आपका? अमित। क्या घटना हुई है भैया? भैया मेरे भैया ने फांसी लगाई, मतलब ऐसा मार के किसी ने लगाया। अच्छा, ऐसा लग रहा जरा सी खूंटी में लगाई, तो जरा सी खूंटी में लगी है, मतलब चीचे में रस्सी बंधी थी, रस्सी खोल के किसी ने उसको फांसी लगाई। फांसी कमरे में पहुँचा 2 घंटे बाद पहुँचा, मतलब ये 2 घंटे के चार या तीन के बीच में काम हुआ है। क्या नाम था भैया का? भैया का नाम सुमित था। यहाँ क्या करते थे आगरा में? यहाँ तम्बाकू का काम होता था, उसी फैक्ट्री में रहते। क्या नाम था फैक्ट्री मालिक का? योगेश कुमार गुप्ता। फैक्ट्री का नाम क्या था? भारत तम्बाकू। अच्छा, आप लोगों को सूचना कैसे प्राप्त हुई? आप लोगों को सूचना कैसे प्राप्त हुई? जब मैं माल लेके गया तो इससे चाबी मांगी, तब ये सही सलामत था जी, मतलब चाबी लेने के बाद में जब चाबी ली तो सही सलामत था। तो मैं सफाई करने के बाद में 4:30 बजे ऊपर जाने के बाद में तो इसे आवाजें दी, तो इसने आवाजें नहीं सुनी। तो जब आवाजें नहीं सुनी तो मैं बहुत कर रहे चीखा, तो इसने कुछ आवाज़ नहीं, तो मैं ऊपर चला गया। ऊपर देखा गया तो जो जिंगले से रस्सी बंधी थी वो खुटिया में बंधी थी, और इसके गले में 3 फंदे लगे थे, मतलब 3 बार ऐसे करके किसी ने फंदे डाल के गला कर दिया ऐसा लगा। और रस्सी यहाँ से यहाँ पे बंधी थी, यहाँ पे ये बताओ भाई, आप थाने आए, आपने थाने में सूचना दी होगी? नहीं, सूचना किसी को नहीं दी। जब फोन किया अंकल जी को, अंकल जी आए, अंकल जी ने पुलिस चौकी को इंचार्ज को बुलाया, तो इंचार्ज बाहर गया हुआ था, तो उन्हें थाने में चौकी में जाके एक कौनसे वो सिंपल ड्रेस में आता था, तो उसे पकड़ के लाए गोदाम पे। वो कई बार आ चुका। किसने बुलाया था? वही बुला के लाया। फोन वो अंकल जी जो आते हैं मुनीम मुनीम। अच्छा, साथ में जब फोन किया तो सबको ही आ गए, तो तार के I-20 गाड़ी गैरेज से निकल के आई, तो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में तो उसे हाथ में पड़ गया, तब तक वो उसने हाथ ही में दम तोड़ दिया नहीं, तो वहीं से मैंने कहा उन्हें वापसी ले चलो भैया, ख़त्म हो गया जी। तो जब बोला तो इन्हें बोली कि अब अस्पताल में आ गए, तो हॉस्पिटल अब पंचनामा जो है उसका पर्चा लिखेगा। पर्चा बनने के बाद मालिक से संपर्क करा आप लोगों ने? तो मालिक से संपर्क किया था, तो मालिक बोल रहा है, तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो भाई वीडियो कैमरा लगा था, तो वीडियो देखी एसीपी ने, एसीपी ने जब वीडियो देखी तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है खुद अपने हाथ से। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।